आज हमारा पूरा देश संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। हम सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। भारत देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें देश और राज्य के हर बारीक से बारीक पहलू का भी ध्यान रखा गया है। आज हम आपको इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताएंगे। बाबा साहब की जयंती के मौके पर पूरा देश ही उन्हें याद कर रहा है। भारतीय संविधान के रचयिता, समाज सुधारक और महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाई जाती है। बाबा साहब के नाम से मशहूर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करते रहे। यही वजह है कि अंबेडकर जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपको लिए चलते हैं ब्रिटिश काल से पहले, जब देश में राजा होता था और राजा का ही कानून प्रजा के ऊपर लागू होता था। उस समय में दलितों के ऊपर काफी अत्याचार होते थे। पेशवाओं के जमाने में अछूतों को कमर में झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, जिससे कि वो अपने पद चिन्हों को मिटाते हुए चल सकें। वहीं गले में उनको मटका बांधना पड़ता था, जिससे कि उनके गले से निकला हुआ थूक जमीन पर ना पड़े और जमीन अपवित्र ना हो सके। क्यों रे? मंदिर में क्यों घुसा? शरण लेने के लिए, कल रात बहुत बारिश हो रही थी। तूने मंदिर को भ्रष्ट किया है, ये अपवित्र छाया मूर्ति पर पड़ी। गंदे नीच कमीने, अधम अछूत तरीके अपने आप को अंबेडकर समझता है। अब हम आपको दिखाते हैं बाबा साहब अंबेडकर के बचपन में हुई कुछ घटनाओं को, जिन्होंने उन्हें झकझोर कर रख दिया और उन्होंने इस समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए दिन रात एक की और विश्व के सबसे बड़े संविधान की रचना की। नहीं चाहिए तुम्हारे गंदे पैसे, जा दूर हो जाओ, जाओ। इस लड़के को लगता है क्योंकि इसका बाप सूबेदार मेजर है, तुम इसके बाल काटोगे। अरे सूबेदार हो या मेजर, महार तो महार ही है। अगर तुम भैंस के बाल काट सकते हो तो तुम भैंस, गधे और कुत्तों से भी बदतर हो। विवा विवा, मैंने तुम्हें संस्कृत लेने के लिए बोला था, फांसी क्यों ली? सर ने कहा कोई सच्चा ब्राह्मण मुझे संस्कृत पढ़ाकर वेद भाषा अपवित्र नहीं करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर समय बस यही सोचते रहते थे कि उनका बचपन इस तरह से बीता है, आने वाली पीढ़ियों का बचपन इस तरह से ना बीते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत मध्य प्रदेश स्थित महूनगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मोलाजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं और अंतिम संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था। वे वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आवंडवे गांव के निवासी थे और हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इसी वजह से उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ता था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। उनके पिताजी रामजी सकपाल भारतीय सेना की महू छावनी में सेवारत थे और यहाँ काम करते हुए वे सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। उन्होंने मराठी और अंग्रेजी में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी जाति की वजह से बालक भीम को सामाजिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था। विद्यालय पढ़ाई में सक्षम होने के बावजूद छात्र भीमराव को छुआछूत की वजह से अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 7 नवंबर 1900 को रामजी सकपाल ने सतारा के गवर्नमेंट स्कूल में अपने बेटे भीमराव का नाम भीवाजी राव अंबेडकर दर्ज कराया। उनके बचपन का नाम भिवा था। अंबेडकर का मूल उपनाम सकपाल की बजाय आवंडवे कर लिखवाया गया था, जो कि उनके आवंडवे गांव से संबंधित था, क्योंकि कोकण प्रांत के लोग अपना उपनाम गांव के नाम से रखते थे, जिसके चलते उन्होंने आवंडवे गांव से ही आवंडवे कर उपनाम स्कूल में दर्ज करवाया। बाद में एक देवरुखे ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव आवंडेकर, जो कि उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उनके नाम से आवंडवेकर हटाकर सरल कर अंबेडकर उपनाम जोड़ दिया। तब से आज तक उनको अंबेडकर नाम से जाना जाता है। रामजी सकपाल परिवार के साथ मुंबई चले आए। अप्रैल 1906 में जब भीमराव लगभग 15 वर्ष की आयु के थे, तो 9 साल की लड़की
रमाबाई से उनकी शादी करा दी गई। तब वे पांचवी अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। उन दिनों भारत में बाल विवाह का प्रचलन था। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो कि बॉम्बे विश्वविद्यालय से संबद्ध था। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले वे अपने समुदाय से पहले व्यक्ति थे। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में बीए किया और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ काम करने लगे। 1913 में अंबेडकर 22 साल की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए 3 साल के लिए उन्हें बड़ौदा राज्य की तरफ से $11.50 की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 1915 में उन्होंने अपनी कला स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान अन्य विषय थे। इन सब कामों को करते करते उनके मन में एक टीस थी कि उन्हें देश के लिए और समानता के अधिकार के लिए कुछ करना है। उन्होंने कहा कि छुआछूत गुलामी से बदतर है। सन 1930 में अंबेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कलाराम मंदिर सत्याग्रह शुरू कर दिया। कलाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रक्रिया शुरू हुई। उस जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया, स्काउट का एक बैच, महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए। जब वे द्वार पहुँचे तो ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा मंदिर के पट बंद कर दिए गए। अब तक भीमराव अंबेडकर अछूत राजनीति की सबसे बड़ी हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा से महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। अंबेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम ग्लोमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। सन 1932 में जब ब्रिटिशों ने अंबेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, क्यूमनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुए विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत 1 वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे, वहीं दूसरे वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आजादी थी। इस प्रकार से दलित प्रतिनिधि केवल दलितों के ही वोट से चुना जाना था। इस प्रावधान से दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग की कोई दखल शेष नहीं थी। इस समय गांधी जी पूना की येरवड़ा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी जी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा की। तभी अंबेडकर ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए ये व्रत रखते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलित लोगों के विरोध में ये व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। देश में बढ़ते दबाव को देखकर अंबेडकर 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे येरवड़ा जेल पहुंचे। यहां गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में अंबेडकर ने दलितों को क्यूमनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही क्यूमनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई गई। सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया गया। 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई। अंबेडकर को देश के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे उन्होंने सहज स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौद समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। इस कार्य में अंबेडकर का शुरुआती बौद्ध संघ, रीतियों और अन्य बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी काम आया। अंबेडकर एक बुद्धिमान संविधान विशेषज्ञ थे। उन्होंने लगभग 60 देशों में संविधान का अध्ययन किया। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में मान्यता प्राप्त है।